Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites. Today we are here for the first day of the Purple Fest, which is organized in Goa, Purple Fest 2023. And today we have a special interviewer with us, who is Mr. Naman Patel from Ahmedabad. So, good morning, sir. मैं आपसे जानना चाहूँगी आप कहाँ से आए हैं, आपके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और आपका यहाँ पे आने का मेन मोटिव. अहमदाबाद से आए हैं और मेन मोटिव है व्हीलचेयर एक्सेसिबल का लोगों को दिखाना, तो लोग उसको प्रीफर करें बनाने में और उसको यूज़ करने में. ओके, सो बेसिकली व्हीलचेयर एक्सेसिबल जो मोटर है उसका अवेयरनेस आप करने के लिए यहाँ पे आए हैं. ओके, सो आपका आपको ये आइडिया कहाँ से आया, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आपको ऐसे कुछ बनाना है? ज़रूरियात है, जो हमको जो ज़रूरियात है उसको तो उसका कुछ हल ढूंढना ही पड़ता है. तो मैंने ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाया है. लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं. ओके, सो आप जब भी अभी अहमदाबाद में कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, सो आप इसका इस्तेमाल करके ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं? और बहुत बार अहमदाबाद में पूरा व्हीलचेयर एक्सेसिबल जहाँ भी जाना हो, मैं और मेरी वाइफ भी हैंडीकैप है, तो दो व्हीलचेयर लेके, पावर व्हीलचेयर लेके हम कहाँ भी विदाउट एनी हेल्प घूम सकते हैं. पूरे अहमदाबाद में नहीं, पूरे गुजरात में जाते हैं. अंबाजी तक गए हैं और नीचे साउथ में, तो अलग अलग गुजरात में काफ़ी जगह घूमे. सर, आपकी इस इंटरवेंशन के मतलब इस आइडिया के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएंगे हमें? ये क्या है कि मैंने अपने तरीके से बनाया है ये. तो मेन चीज़ ये है कि मेरे को मेन प्रॉब्लम था कि व्हीलचेयर मैं अपनी कार में नहीं रख सकता था. पीछे डेकी में रखना हो तो फोर व्हीलर में क्या दिक्कत हो जाती थी, किसी की हेल्प लेनी पड़ती थी. तो ये विदाउट एनी हेल्प मेरे को ऐसा कोई व्हीकल बनाने का था कि विदाउट एनी हेल्प मैं जा सकूँ, मूवमेंट कर सकूँ. तो मेरा ढूंढने का ये व्हीकल बनाने का एक ही आशय था कि मैं और मेरी वाइफ दोनों एक्सेसिबिलिटी के माध्यम से एंजॉय कर सके. लाइफ का एंजॉय करने का ही मेन पर्पस है. हाँ, सो मेन यही प्रॉब्लम होता है कि अगर आपके पास व्हीलचेयर भी हो तो आप उसको गाड़ी में कहीं पे लेके नहीं जा सकते इंडिपेंडेंटली, हेल्प लेनी पड़ती है. मेन चीज़ है कि किसी को बोलना पड़ता है कि हेल्प करो, तो वो बराबर है, हेल्प करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाता है और काफ़ी बाय हार्ट हमको हेल्प मिलती है. अभी मैं फ्लाइट में आया तो फ्लाइट में जो अटेंडेंस होते हैं काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो वो हेल्प तो हम मिल ही जाती है. पर इंडिविजुअल लाइफ जो डेली लाइफ होती है जो हमको जीना है, तो विदाउट हेल्प कैसे जिए. बस ये मेरा ये हेल्पफुल व्हीकल है कि जो मेरे को विदाउट एनी हेल्प लाइफ को एंजॉय कर सकता है. दैट्स मतलब बहुत अच्छी बात है सर कि आपने इतना सोचा और अपने खुद के लिए और बाकी लोगों के लिए भी एज अ अवेयरनेस आपने ये. हाँ, क्योंकि क्या लोगों को मालूम पड़ेगा कि इस तरह अपने एक चलो ये तो मैं ये व्हीकल है मैं चला सकता हूँ, पर ऐसा काफ़ी व्हीकल मेरे बाद बने कि लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जो नीड है, ज़रूरत है, इसके हिसाब से वो डेवलप किया और उसको यूज़ करते स्टार्ट किया. सो आपने ये व्हीकल कब बनाया सर? 2018 में. वो तो बहुत बढ़िया है. ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ. तो मैंने देखा पूरा घूम के पीछे जाके आगे से पूरा है. आप कहाँ पे ठहरे हैं? इवोक होटल. वहाँ से आपको यहाँ तक की एक्सेसिबिलिटी? वो तो बहुत ही बढ़िया. व्हीलचेयर एक्सेसिबल का जो का वान है, वो वान में मैं आया यहाँ और कोई विदाउट एनी हेल्प. सो आपको ये पर्पल फेस्ट में कैसे लग रहा है, लाइक आपका एक्सपीरियंस? अब तक तो अभी जस्ट शुरुआत है, अभी तो आपको और 2-3 दिन तो एक्सपीरियंस करना है, बट आपके क्या एक्सपेक्टेशंस क्या है यहाँ से मिलने का सभी लोगों का? चलो ये मेरा इन्वेशन है तो दूसरे का भी कुछ ना कुछ होगा, कुछ
सीखना सीखेंगे, औरों के पास से भी कुछ सीखेंगे। मेन चीज़ है लर्निंग, लर्निंग तो कभी अटकनी नहीं चाहिए, टिल द डेथ लर्निंग इज मस्ट गो ऑन। ये हमारे साथ थे नमन पटेल जी, थैंक यू सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप यू कीप इंस्पायरिंग मोर एंड मोर पीपल, ताकि वो खुद के लिए और बाकी पूरे लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ कर सके। थैंक यू सो मच।